तो भाई आप देख ही रहे हैं कि इनका हाथ नहीं रुक रहा है, जब से मैं यहाँ पे आऊँ मुझे आए हुए लगभग 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं। और पाजी हम कौन सा खाएं आप बताओ, जो कहोगे वही खाएंगे। आपके लिए सर स्पेशल तो ये बताओ हमारा नंबर कितने देर में आएगा आपका? सर 15 मिनट तक, 15 मिनट लग जाएंगे हमें। तो भाई लुधियाना का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि आप ये जो मेरे कंधे पे तौलिया देख रहे हैं ना, इसको देख के आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गर्मी है। और मुझे बार बार ना अपना पसीना पोंछना पड़ता है क्योंकि बहुत गर्मी है। लेकिन मज़ा ही इस चीज़ का है क्योंकि जो असल खाना होता है ना वो ऐसे एक्सप्लोर किया जाता है। और मेरे साथ मेरे दो भाई हैं जो कि लुधियाना के लोकल ही हैं और इनका भी अपना फूड चैनल है। और ये आज हमें एक ऐसी जगह पर लेके जा रहे हैं जहाँ पर कहते हैं कि ऐसे नान मिलते हैं कि जो एक बार खा लेता है ना भाई, वो फिर 50-50 किलोमीटर दूर से भी आता है नान खाने के लिए। वो है जी विजय के नान। तो भाजी इतने स्पेशल क्यों है इनके नान? भाजी एक तो ये नान जो देते हैं वैसा और कहीं हमारे शहर में मिलता नहीं है। अच्छा, ये ड्राई फ्रूट नान का बहुत ज्यादा ही फेमस है। बाकी आप एक बार टेस्ट करोगे आपको खुद पता लग जाएगा लोग दूर से क्यों आते हैं। अच्छा जी, तो भाई आइए फिर हम भी चलते हैं भाई के साथ। मेरे साथ चाहत भाई है और कार्तिक भाई है, ये दोनों मुझे लुधियाना घुमाने वाले हैं बहुत सारा। तो आइए सबसे पहले हम चल रहे हैं विजय कुमार नान वाला के पास और इनके नान खाएंगे। और मैं अभी पहले देख के आया हूँ, इतना ज़्यादा रश है भाई कि नंबर हमारा अगर आधे घंटे से पहले आ जाए ना तो गनीमत समझेंगे। पानी आ रहा है ना आपके मुँह में, आ जाओ नान खिलाते हैं। चलो भाई, गुजरात का हूँ मैं, 15 साल से यहीं रहता हूँ, अभी 2 साल से नहीं रहा, आज आया था। तो स्पेशल नान खाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और स्टेशन पे होटल में रूम है, वहाँ से 100 रुपया स्पेशल रिक्शा करके आया हूँ। खाली नान खा, एक नान खानी है मेरे को, रेट मेरे को पूछा ही नहीं मैंने। 100 रुपये दिए, जितने दिए मैंने जेब में डालिए, ये 100 की भी हो तो भी कम है, मैं पूछूंगा इन्हें कि मैं जिंदगी भर यही खाऊंगा। भाजी आप कब से आ रहे हो यहाँ पे? मुझे 10-12 साल हो चले। 12 साल से आ रहे हो? हाँ। तो भाजी क्या इतना खास है इनके नान में जरा बताओ। बाप पता नहीं, टेस्टी एक बखरा बनया हुआ कि खाने आके नान नान हो जाती पूरी। अच्छा, नान 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 हो जाती है। वैसे आज मेरे को कोफ्ता नहीं मिला जी, कोफ्ते की बड़ी तारीफ सुनी है मैंने इनके। फिर आना कल आना आप। अच्छा, कोफ्ता गजब है। हाँ, बहुत बढ़िया कोफ्ता है, मक्खन है। हाँ, पूरा मलाईदार कोफ्ता है, टेस्टी अल्टीमेट है इनका बस। और आप कितने कुलचे खा लेते एक टाइम? दो डाइट, पेट बड़ा हो गया। क्या बात है, जब से मैं यहाँ पे आऊँ मुझे आए हुए लगभग 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं और इनका हाथ नहीं रुका एक मिनट भी। इतनी तेजी से यहाँ पे नान लग रहे हैं, इतनी तेजी से लोग यहाँ पे नान खाने आ रहे हैं, खा के जा रहे हैं, पैक करा के लेके जा रहे हैं। और मेरे साथ यहाँ काले भाई हैं जिनको मैंने बोला कि आप मेरे से थोड़ी सी बात कर लीजिए, थोड़ा सा दुकान के बारे में बता दीजिए, तो कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। भाजी की हालचाल? बढ़िया भाजी। सबसे पहले तो ये बताओ हमारा नंबर कितनी देर में आएगा आपका? सर 15 मिनट तक। 15 मिनट लग जाएंगे हमें? जी हाँ जी भाई, हमें भी 15 मिनट इंतजार करना पड़ेगा अपनी नान की प्लेट खाने के लिए। भाजी कितने बजे से शुरुआत होती है सुबह? सुबह 10 से 4, 4:15 बजे तक सर। और कोई छुट्टी वगैरह? छुट्टी साल में 2 जब ईद हो। ईद में छुट्टी करते हो? अच्छा, वैसे 10 से? वैसे कोई मूड हो तो कर ले, नहीं तो साल में 2 पक्की है। अच्छा भाजी, एक ना आपसे सवाल पूछूंगा, ये बताओ लगभग कितना किलो मैदा जो है रोजाना लगता है आपको? ये मेरे को नहीं मालूम, ये लड़के घर पे गूंथते हैं सर। हाँ, मतलब ये बताना नहीं चाहते? नहीं बताना, क्योंकि बाद में गूंथता ही नहीं हूँ, अगर मैं गूंथूँ तो भी बताऊँ। लगभग अंदाजा? अंदाजा होगा 8 किलो, 8-9 किलो। अच्छा, 8-9 किलो है। तो मेरे ख्याल से मेरे को देख के अनुमान लग रहा है कि इनकी लगभग ना करते करते भी 800-1000 प्लेट तो आराम से निकाल देते होंगे रोजाना, इसीलिए शायद इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं लुधियाना में। तो भाई हमें इंतज़ार करना पड़ेगा 15 मिनट के लिए, अपनी प्लेट के लिए इंतज़ार करते हैं। और पाजी हम कौन सा खाएं आप बताओ, जो कहोगे वही खाएंगे। आपके लिए सर स्पेशल लगाऊंगा। स्पेशल नान? स्पेशल नान में क्या क्या जाता है जी? उसमें सर पनीर, गोभी, प्याज, ड्राई फ्रूट सब कुछ मिक्स है। अच्छा, सब कुछ मिक्स होता है? एक आलू नहीं डालते। अच्छा जी, और आपका प्यार? वो तो सब तो भाई प्यार वाले नान है। तो भाई इस रश को देख के आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि विजय कुमार नान वाला कितना ज्यादा फेमस है यहाँ लुधियाना में। बहुत सारी नान की दुकानें आपको यहाँ मिल जाएगी लुधियाना में, लेकिन इनके नान की कहते हैं जी बात ही कुछ और है। आज से 50 साल पहले विजय अंकल ने ही इस दुकान को शुरू किया। दरअसल इन्होंने पहले एक रेडी लगाई, एक कार्ट लगाई और वहाँ से इनकी जो मशहूरियत है, यानी कि वहाँ से जो ये मशहूर होना शुरू हुए, बढ़ते बढ़ते आज इन्होंने अपनी दुकान ले ली है और इनके बेटे इस दुकान को आज संभालते हैं। और यहाँ पे कहते हैं 11 बजते ही लोग आना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग यहाँ गर्मा गर्म खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग अपने घर वालों के साथ जाके खाना पसंद करते हैं। इनके यहाँ पे 4-5 तरीके के बड़े
अनोखे अनोखे नान मिलते हैं, जैसे आलू का नान मिलेगा आपको, गोभी का मिलेगा, पनीर का मिलेगा, मिक्स मिलेगा, और इनका स्पेशल ड्राई फ्रूट वाले नान की तो बात ही कुछ और है। 80 रुपए की प्लेट है, लेकिन भैया अगर आपने वो खा लिया ना तो लंच में ना मज़ा आ जाएगा आपको। लगातार यहाँ पे जो नान है वो लगते रहते हैं, स्पेशल नान भी है इनके ड्राई फ्रूट वाला। उसके अलावा यहाँ पे गोभी का नान है, आलू का नान है, और उसके अलावा यहाँ पे आपको पनीर का नान भी मिलता है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे नान जो है उनको लगाया जाता है। सबसे पहले जो मैदा है उसके अंदर फिलिंग भरी जाती है आलू की गोभी की या पनीर की। उसके ऊपर इस तरीके से गाजर को लगाया जाता है जो कि ग्रेटेड कैरेट है, ये देखिए, और ये ऊपर से गया अजवाइन, और ये साथ में कुछ और मिक्स वेजिटेबल, और ऊपर से इन्होंने डाला ये घी, ये देखो। के बाद कुछ सेक के सर्व किया जाता है, ये देखो। तो ये देखिए जी, नान के ऊपर इस तरीके से लगाया जाता है ढेर सारा मक्खन, और मक्खन लगाने के बाद उसको अच्छे से चोपड़ा जाता है, और उसके बाद ये सर्व किया जाता है छोले के साथ, चटनी के साथ, और इनकी स्पेशल एक करी है जो कि कोफ्ता करी है उसके साथ, और साथ में सैलड। तो आइए हम भी अब टेस्ट करते हैं इनके नान, और आपको बताते हैं कैसा उसका स्वाद है, और क्या जो हाइप है इनके नान के बारे में वो सचमुच अच्छी है, या फिर ऐसे ही इनका नाम इतनी दूर दूर तक फैला हुआ है। सो भाई लगभग 25 से 30 मिनट इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमें हमारी प्लेट मिल चुकी है। लेकिन एक चीज़ का अफसोस है कि जो भाई बता रहे हैं कि ये ना छोले के साथ कोफ्ता भी डाल के देते हैं वो पालक की ग्रेवी में, बट वो ख़त्म हो गया आज। कोई बात नहीं भाई, हम ग्रेवी के साथ ही मज़े ले लेंगे। और नान इतना ज़्यादा करारा, इतना ज़्यादा क्रिस्पी है ना, इसको देख के मुझे दीपे के नान की याद आ गई जो मैंने पटियाला में एक बार खाए थे। तो आइए हम भी स्वाद लेते हैं, आ जाओ भाजी, आओ आओ, एक एक बाइट तो सब लोग। भाई खाना ऐसी चीज़ है कि अगर एक प्लेट में खाओ ना तो प्यार बढ़ता है भाइयों में, इसलिए हमने अलग प्लेट नहीं ली, साथ में खा रहे हैं हम। साथ में ये अंबी का अचार, गाजर का अचार जी, और ये छोले, और साथ में पालक की ग्रेवी। आओ भाई, चटनी जरूर टेस्ट करना आप इनकी, चटनी भी खाएंगे भाई, चटनी बहुत कमाल है। ये भाई सबसे कंजूसी कर रहे हैं, देखो कितनी छोटी बाइट ले रहे हैं, लेकिन हम तो सबसे बड़ी बाइट। चल भाई, भाई जो स्पेशल नान है ना वो सच में स्पेशल है, कोई नाम के लिए स्पेशल नहीं है। ड्राई फ्रूट है इसके अंदर, आपने देखा पनीर है, गोभी है, प्याज है, कैरेट है, ऊपर से कैप्सिकम भी कभी एक अनोखा मेल है जो ये लगाते हैं, और करारे करारे नान है, फिर भी उतना हैवी नहीं लगता। हैवी नहीं है, दीपे के नान थे पटियाला में बहुत लाइट, वैसे ही भाई विजय भाई के नान है बहुत ही ज़्यादा लाइट है और बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। और एक आपको चीज़ बताता हूँ, जब भी नान खाओ ना थम्सअप का कॉम्बिनेशन डेडली है, कभी ट्राई करके देखना नान के साथ थम्सअप, एकदम सब हजम हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत कुछ और खाना है। भाई यहाँ पे आप चाहें तो जितनी मर्जी बार छोले रिफ़िल कराइए, चटनी रिफ़िल कराइए, और अचार जितनी मर्जी बार लीजिए। शायद इसीलिए जो इनके इनका जो प्यार है ना खिलाने का, वो भाई इनके खाने में झलकता है, और कोई भी चीज़ अगर प्यार से खिलाई जाए ना उसका स्वाद ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाता है, बहुत ही लाजवाब है। कभी भी अगर आप लुधियाना आए ना, स्पेशल नान ही खाने आना। पाजी एड्रेस समझा दो जरा आप, मैं जब तक खाता हूँ। एड्रेस मेन सुबानी बिल्डिंग चौक है, मेन चौक में ही आपको दिख जाएगा विजय नान वाले, बहुत ज़्यादा ही फेमस हमारी सिटी में, मतलब चौक इनके नाम से जाना जाता है, आप ये लगा दो। क्या बात है, किसी को भी पूछोगे आपको पता चल जाएगा, ये ऐसी जगह है। भाई एड्रेस वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन अगर आपको आसान से रास्ता ढूंढना है तो लुधियाना में किसी भी क्या पूछना, सुबानी बिल्डिंग चौक विजय भाई के नाम, एक बार तो खाने बनते हैं लाजवाब। तो भाई किसी भी खाने को खाने के बाद अगर आपको तृप्ति हो जाए ना तो समझ लीजिए वो खाना बहुत ज़्यादा लाजवाब है। और सच में यार लुधियाना में आके लोगों से बात करके अब मुझे भी मालूम पड़ा है कि इनका जो नान है ना वो वन ऑफ़ द बेस्ट इन लुधियाना है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, बहुत ही ज़्यादा करारा है, और अंदर से उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और अगर बात करूँ उन छोलों की, लाजवाब छोले थे, बस एक चीज़ की जो कमी थी वो थी जो वो कोफ्ता, जिसके बारे में मुझे लोगों ने यहाँ पे बताया कि मलाई होता है कि आप चम्मच बस सिर्फ टकाइए और वो कोफ्ता ऐसे बिखर जाता है, और उसका स्वाद ना भरपूर होता है जब आप ये नान खाते हैं। और साथ में इनकी चटनी की तारीफ़ करूँ या फिर गाजर और वो अंबी के अचार की तारीफ़ करूँ, ओवरऑल लाजवाब एक्सपीरियंस था लुधियाना। और मेरे खाने की तलाश हमेशा यूँ ही जारी रहेगी, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, आप खाते रहिए, खिलाते रहिए और दिल लगाते रहिए। अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई जगह पे, एक नए खाने की तलाश में।